नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी सामने आई है और वो खबर ये है कि झांसी में अतीक अहमद और यूपी पुलिस का काफिला एंट्री कर चुका है, लेकिन इन सब के बीच खबर ये है कि अतीक अहमद के गुर्गे इस काफिले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अतीक के गुर्गों की इतनी हिम्मत कि वो यूपी पुलिस के काफिले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले, यूपी लाया जा रहा है अतीक अहमद को। अब से 10 से 12 घंटे में वो यूपी के प्रयागराज में लाया जाएगा। कल ये पूरा सफर शुरू हुआ था, लगभग 24 से 26 घंटे का सफर है। रुक रुक कर गाड़ी आ रही है क्योंकि लंबा सफर है। लेकिन इन सब के बीच खबर जब ये आई कि अतीक के गुर्गे इस काफिले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों को सख्त मोड पर, अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा अधिकारी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बड़े बड़े मंत्री भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सवाल यही उठता है कि जब यूपी में एंट्री होगी तो क्या अतीक के गुर्गे यहां पर भी इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर उनके लिए हरकत करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का यूपी है और यहां पर माफियाओं का साथ देना भी लोगों को भारी पड़ जाता है। यही तो वजह है कि कोई भी अतीक अहमद का ना तो फोन उठा रहा था और ना ही उसका साथ दे रहा था। आपको याद होगा, एक खबर बीच में आई थी कि अतीक अहमद एनकाउंटर से डर रहा था। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और दूसरी तरफ उसने यूपी के एक बड़े नेता को फोन मिलाया था। बताया जा रहा है कि पहले फेसटाइम किया, नेता ने बार बार फोन काट दिया, उसके बाद नॉर्मल कॉल की गई। नेता ने जैसे ही फोन उठाया तो अतीक अहमद ने कहा, महाराज काहे हमारा फोन काट रहे हैं। ये सुनते ही सामने वाले नेता ने फोन काट दिया था। यानी आप समझ सकते हैं, अतीक अहमद का साथ देने में, उससे बात करने में लोगों की हालत खराब हो रही है और यही वजह है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो भी उसका साथ देगा उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। खैर, झांसी में काफिला एंट्री कर चुका है। खबर है कि अतीक के गुर्गे काफिले में अब सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं और अगर यही सारी चीजें यूपी में हुई तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि यूपी पुलिस पूरे अलर्ट पर है। भारी सुरक्षा बलों के बीच में अतीक अहमद को पूरी सुरक्षा के साथ यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस में सुनवाई होनी है और उसी के तहत अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल, जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप बताइए, अतीक के गुर्गे अगर यूपी पुलिस के काफिले में घुसते हैं तो फिर यूपी पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताइएगा।